हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो का डिस्कशन का टॉपिक है डेटाबेस के एडवांटेजेस और उसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। पर अभी हम देखेंगे एडवांटेजेस के बारे में, जो कि हम डेटाबेस में क्या क्या हमको फ़ायदा होता है, डेटाबेस यूजिंग करने का क्या क्या फ़ायदा होता है। फाइल बेस सिस्टम जो होता है, फाइल बेस सिस्टम और डेटाबेस सिस्टम हम दोनों देखे थे। तो ये फाइल बेस सिस्टम से डेटाबेस सिस्टम क्यों अच्छा है, उसके लिए एक तो फ़ायदा होगा, किसी चीज़ का फ़ायदा है हमको है तो हम उसी चीज़ को यूज करेंगे ना। तो फाइल बेस सिस्टम में क्या खामियां थी और उसको पूरा करने के लिए डेटाबेस सिस्टम क्या क्या प्रोवाइड करता है हमको फैसिलिटी, उसके हिसाब से हम देखेंगे एडवांटेजेस। ओके, अगर एग्जाम में फाइल बेस सिस्टम का डिसएडवांटेजेस आएगा, आप इसको रिवर्स करके भी लिख सकते हो। आपको मैं इसलिए लिखा रहा हूँ कि आपको उसको रिवर्स करना पड़ेगा, जिससे भी रिवर्स कर देना। ओके, तो अभी देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस सिस्टम ओवर फाइल बेस सिस्टम। पहला एडवांटेजेस क्या है, परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मीनिंग क्या है, मीनिंग परसिस्टेंस मीन्स परमानेंट। ओके, परमानेंट इन डेटाबेस सिस्टम डेटा एंड इंफॉर्मेशन आर परमानेंटली स्टोर फॉर ए लॉन्ग टाइम। हम अगर डेटाबेस सिस्टम की यूज करते हैं तो परसिस्टेंस मतलब हमारा डेटा जो हमारे फोटोज हो गया, वीडियोज हो गया, कुछ टेक्स्ट हो गया, मैसेज हो गया, ये सारे के सारे चीज़ डेटाबेस जो होते हैं, डेटाबेस एक स्टोरेज होता है, डेटाबेस के स्टोरेज में हमेशा के लिए सेव होके या स्टोर होके रहता है। इसलिए हम डेटाबेस सिस्टम को यूज करेंगे, क्योंकि फाइल बेस सिस्टम में कभी भी क्या हो सकता है, फाइल बेस सिस्टम में कभी भी डिलीट हो सकता है किसी और, अगर को आपका कुछ किसी और लड़के ने आकर या किसी और आदमी आकर डिलीट करके चला जाएगा, पर डेटाबेस में ये पासवर्ड के हिसाब से सुरक्षित रहेगा। ओके, तो इसलिए हम परसिस्टेंस जो फैसिलिटी होता है उसके लिए डेटाबेस को यूज करेंगे, फाइल बेस सिस्टम के हिसाब से डेटाबेस को ज़्यादा प्रीफर करेंगे। दूसरा रीजन होता है जो एडवांटेजेस होता है, शेयरिंग। शेयरिंग तो आप सभी को पता ही होगा कि कुछ भी चीज़ें सेंडिंग करना, या आप जैसे व्हाट्सएप में फोटो शेयर करें वैसे ही इन डेटाबेस सिस्टम। मगर आपको हम ये सब चीज़ ऐसे ही एक सिंगल वर्ड में भी देखते हैं, मगर इसको एग्जाम में अगर आएगा लिखना लॉन्ग क्वेश्चन या 3 मार्क या 4 मार्क ऐसा कुछ आएगा, तो आप कैसे लिखोगे, इसी टाइप के लिखोगे। इसीलिए मैं आपको ये वाला नोट जैसे कलर पेन यूज करके बताया था पहले ही प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसीलिए ये वाला नोट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओके, दूसरा है शेयरिंग। इन डेटाबेस सिस्टम ए सिंगल पीस ऑफ डेटा कैन बी शेयर एमंग डिफरेंट यूजर्स एट ए टाइम। एट ए टाइम ये बड़ी बात है काफ़ी। ओके, डेटाबेस सिस्टम में एक सिंगल पीस ऑफ डेटा, फाइल बेस सिस्टम में अगर हमको कुछ भी शेयर करना हो तो उसी के सीरियल नंबर के हिसाब से आपको ढूंढना पड़ेगा उसका नाम किधर है, उसके डेटा किधर है। पर डेटाबेस सिस्टम में ऐसा नहीं होता, उसका नाम आप सिर्फ पहला लेटर मार दोगे या उसका नंबर मार दोगे, सीरियलिंग नंबर आ जाएगा, आप उसी को शेयर कर सकते हो। कैसे शेयर कर सकते हो, डिफरेंट यूजर्स एट ए टाइम, एक टाइम पे आप सिलेक्ट करके सभी यूजर्स को सेंडिंग कर सकते हो। ओके, जैसे व्हाट्सएप में सेंडिंग करते हो, एक फ़ोटो लेते हो, आप 4-5 लोगों को एक साथ भेज देते हो, उसी टाइप का शेयरिंग भी आसानी होता है फाइल बेस सिस्टम से डेटाबेस सिस्टम, इसीलिए शेयरिंग एक एडवांटेजेस है। ओके, तीसरा देखते हैं, तीसरा है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब क्या, अगर आप कुछ भी चीज़ें आप फाइल बेस सिस्टम में स्टोर करके रखो, कुछ एक्यूरेट नहीं होगा, क्योंकि उधर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि सेम हुआ या रिपीट हो गया या डबल हो गया या गलती हुआ, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ऐसा कुछ हो जाएगा। ओके, पर डेटाबेस सिस्टम है उसके हिसाब से, डेटाबेस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, एक्यूरेसी उनमें से एक। इन डेटाबेस सिस्टम डेटा ऑलवेज एक्यूरेट होता है, बिकॉज इट इज़ ऑटोमेटिकली अपडेटेड। ऑटोमेटिकली अपडेटेड मतलब ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता है, डेटाबेस सिस्टम हमेशा अपडेट होता है, आप कुछ भी चेंजेस करोगे वो ऑटोमेटिक अपडेट होता है, उसका ऐसा ही मतलब मेकानिज्म है। हम ये बाद में सारे के सारे पढ़ेंगे कि कैसे दूसरे डेटा से और एक टेबल को रिलेट करके होता है, ऑटोमेट अपडेट होता है, ये हम सारे पढ़ेंगे। आप अभी सिर्फ देख लो कि डेटाबेस सिस्टम का एडवांटेजेस क्या है फाइल बेस सिस्टम से, मतलब अगर क्वेश्चन में आएगा कि व्हाट इज डेटाबेस एंड एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस ऑन डिसएडवांटेजेस, तो तभी आप एडवांटेजेस में ये वाले सारे पॉइंट लिखोगे। ओके, आपको अच्छे से मार्क आएगा। पूरे के पूरे नोट हमने प्रोवाइड कर दिए हैं, अगर आपको नोट चाहिए तो कमेंट करना नीचे, नहीं तो इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट करना। ओके, अगला टाइप देखते हैं, नॉन रिडंडेंसी। नॉन रिडंडेंसी का मीनिंग क्या है, इन डेटाबेस सिस्टम देयर इज नॉन डुप्लीकेसी। नॉन रिडंडेंसी का मतलब है डुप्लीकेसी, और नॉन रिडंडेंसी का मतलब है नॉन डुप्लीकेसी, इधर डुप्लीकेट कोई नहीं होता, मतलब डेटा डुप्लीकेट नहीं होता। अगर एक बच्चे का या एक स्टूडेंट का रोल नंबर 5 है,
फाइव की जगह और एक बच्चे का रोल नंबर नहीं आ सकता, पर फाइल वाले सिस्टम हम खुद टाइप करके लिखते हैं, उसको असाइनिंग नहीं कर सकते। अगर कुछ भूल होगा या किसी को थोड़ा सा पता नहीं होगा तो डबल लिख देगा, पर डेटाबेस में अगर डबल कुछ भी आप लिख रहे हो तो अपने आप डिटेक्ट भी हो जाता है। ओके, इसीलिए बोलते हैं इधर डुप्लीकेसी नहीं होगा, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आएगा। दैट मीन्स ईच ऑब्जेक्ट हैज़ यूनिक वैल्यू, यूनिक वैल्यू हमेशा रहेगा डेटाबेस वैल्यू में, यूनिक वैल्यू हमेशा रहेगा ईच कॉलम में। ओके, हमें आगे पढ़ अच्छे से और अच्छे से आपको पता आ जाएगा जब हम यूज करेंगे टेबल्स को, लिखेंगे उसके क्वेरी लिखेंगे, आपको तभी पता चलेगा कि रिडंडेंसी का मतलब उसको कैसे यूज करते हैं। ओके, अगला होता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मीन्स एक्यूरेसी, एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी ऑफ डेटा। इंटीग्रिटी मीन्स एग्जिस्ट करना, एग्जिस्ट मतलब एक्यूरेसी होगा वो डेटा, ये सिर्फ एक्यूरेसी है और ये इंटीग्रिटी है, ये डिफरेंट है। ओके, इंटीग्रिटी मीन्स एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी ऑफ डेटा। हियर डेटा कैन नॉट बी ऑल्टर्ड अनऑथोराइजली, ऑल्टर मतलब चेंजिंग नहीं हो सकता, कोई अनऑथोराइज एक्सेस मतलब और कोई आके चेंजिंग नहीं कर सकता। अगर ये डेटाबेस आपके अंदर में है, आपके दिए हुए पासवर्ड में है, तो आप सिर्फ जाके चेंजिंग कर सकते हो या कुछ भी चीज़ें बदल सकते हो, रोल नंबर बदल सकते हो, नाम बदल सकते हो, एड्रेस बदल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, पर और कोई आके नहीं कर सकता। इसीलिए इसको बोला जाता है इंटीग्रिटी और एक्यूरेसी वैलिडिटी, सो दैट देयर इज नो लॉस ऑफ डेटा ऑन डेटाबेस। इसीलिए कोई डिलीट नहीं कर सकता, इंटीग्रिटी रहेगा तो कुछ भी डेटा लॉस नहीं होगा, नो डेटा लॉस। इंटीग्रिटी मतलब डेटा लॉस मतलब गलतियों से डेटा लॉस कभी नहीं होगा। ओके, उसका ऐसा ही मैकेनिज्म है। आगे देखते हैं, मैं ये नोटबुक में इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको मतलब बाद में नोट देने के लिए आसानी होगा, आप एग्जाम के लिए रिविजन कर सकते हो, अच्छे से पढ़ सकते हो। ओके, उसके बाद है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इधर बच्चे कन्फ्यूज, मतलब स्टूडेंट इधर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कंसिस्टेंसी क्या है। इन डेटाबेस सिस्टम डेटा इज ऑलवेज इन कंसिस्टेंट स्टेट। कंसिस्टेंट स्टेट मतलब बिकॉज व्हेन डेटा मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऑफ डेटाबेस इट मस्ट बी कंसिस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मतलब इधर मनी ट्रांजैक्शन, बैंक ट्रांजैक्शन ऐसा कुछ नहीं है। ओके, रुको मैं इधर समझाता हूँ रॉप में। ओके, ये एक डेटा हो गया, मतलब मान लो एक डेटा हो गया, इधर आपका रोल नंबर है और मार्क है और आपका एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, ऐसे कुछ है। रोल नंबर मार्क, मान लो रोल नंबर है मार्क है। ओके, इधर एक डेटा का हो गया, डेटाबेस हो गया, इधर भी आपका एड्रेस है और क्लास नंबर, क्लास है, आप प्लस थ्री पढ़े हो, प्लस टू पढ़े हो, ऐसे कुछ है। ओके, ये तो हो गया। तो जब हम सोचेंगे कि नहीं ये वाला डेटाबेस से हम सारे के सारे डेटा लेके इधर शिफ्ट कर देंगे, ओके, तो तभी जब हम फाइल से लेकर शिफ्ट करेंगे, पेन ड्राइव से लेकर शिफ्ट करेंगे, डेटा शेयरिंग करेंगे व्हाट्सएप के, कुछ भी करेंगे, अगर कुछ जैसे भी कुछ हम इधर से डेटा इधर से लेके आएंगे तो इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन। ये इधर से डेटा ट्रांसफ़र होकर इधर तक आने को बोलते हैं ट्रांजैक्शन होगा, पूरे के पूरे प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांजैक्शन। इसी ट्रांजैक्शन के टाइम डेटा कंसिस्टेंसी रहेगा, कंसिस्टेंसी उसका मेंटेन रहेगा, मतलब इधर अगर रोल नंबर फाइव के साथ, रोल नंबर फाइव हो गया उसका मार्क हो, रोल नंबर फाइव, रुको, इधर फाइव रोल नंबर हो गया उसका मार्क है 30, सिक्स रोल नंबर हो गया उसका मार्क है 40, वन 10 रोल नंबर हो गया उसका मार्क है 70। ओके, ऐसा है। जब हम ये सारे के सारे डेटा इधर से लेके दूसरे डेटाबेस पे ला के जाएंगे तो इधर 05 का, 5 रोल नंबर का कितना मार्क होना चाहिए, 30 ही रहेगा, मगर इधर 40 होगा क्या, 40 तो नहीं होगा ना, 30 रहेगा। बाई चांस गलती से अगर 40 हो गया तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी एग्जिस्ट नहीं करता। इसीलिए फाइल वे सिस्टम में 40 हो सकता है, क्योंकि अगर कोई लड़का लेके पेन ड्राइव से डेटा लेके उधर जा सकता है, अगर बाद में वो चेंज कर दिया तो, अगर इंटरनेट में ये सारे के सारे चीज़ डेटाबेस में रहेगा तो चेंजिंग नहीं होगा, डायरेक्ट हम एक्सेस उसको दे सकते हैं उसी लोग को। इसीलिए बाद में पहले जो कंडीशन था, पहले जितना भी डेटा था बाद में उसी सेम डेटा का एग्जिस्ट होना, जितना भी ट्रांजैक्शन हो जाओ, ट्रांसफर हो जाओ डेटा का, उसी सेम डेटा का एग्जिस्ट होने को बोलते हैं कंसिस्टेंसी रहना। ओके, कंसिस्टेंसी मेंटेन करेगा डेटाबेस में। पॉइंट अच्छे से याद आ गया। ओके, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद फास्ट एक्सेस और रिट्राइवल। रिट्राइवल का मतलब है कुछ क्वेरी देना, उसके हिसाब से हमको रिजल्ट मिलना। ओके, इसका मीनिंग होता है रिट्राइवल। इन डेटाबेस सिस्टम डेटा कैन बी स्टोर एंड एक्सेस रैंडमली। हम कहीं से भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, मतलब रैंडमली एट एनी पार्ट ऑफ डेटाबेस। हम अगर फाइव रोल नंबर वाले को चाहते हैं तो डायरेक्ट रोल नंबर सर्च करेंगे फाइव,
तो 5 वाले का आ जाएगा। अगर 40 का चाहते हैं 40, डायरेक्ट 40 लिखेंगे रोल नंबर पे, अगर 40 का आ जाएगा ऐसा ही आएगा रिट्राइवल। इसीलिए हम कहीं से भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं किसी पार्ट से भी। ओके, दूसरा उसके बाद है सिक्योरिटी। इन DBMS डेटा कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड अनऑथराइजली। अगर आपके पासवर्ड है, आपके नंबर है फेसबुक, तो आप ही आपका लॉगिन करोगे ना, और कोई तो नहीं लेगा। अगर कोई और लॉगिन किया उसका मतलब क्या है, आपने अपना पासवर्ड उसको दिया है। उसी टाइप का DBMS भी ऐसा होता है। अगर आपका पासवर्ड किसी को नहीं पता, सिर्फ आपको पता है, तो डेटाबेस में सिर्फ आप ही सिक्योरिटी का मतलब अथॉरिटी सिर्फ आपको ही मिलेगा, ऑथोराइजेशन आपको ही मिलेगा। ओके, आप ऑथोराइज्ड हो गए उसके लिए डेटाबेस एक्सेस करने के लिए। सो आउटसाइड जिसको पासवर्ड नहीं पता, उसको कुछ भी मतलब मालूम नहीं होगा कि डेटाबेस में के अंदर क्या है, उसके हिसाब से क्या है, ये पूरा सिक्योर होके रह गया। सो द डेटा आर सिक्योर, सिक्योर होके रहेगा। इट ऑलवेज अलाउज ओनली टू वैलिड यूजर्स टू एक्सेस डेटा। ओनली सिर्फ जो ऑथोराइज वाला हो गए, अगर आप हो और आपके साथ और कोई भी टीचर है या आपके साथ और कोई स्टूडेंट है, उसी के सिर्फ ऑथोराइज मिला है, तो वही सिर्फ डेटा को देख सकते हैं कि किसका रोल नंबर क्या है, उसका घर क्या है, उसका फ़ोन नंबर क्या है। एक स्टूडेंट का अगर डेटाबेस हो तो ये सारी की चीज़ें उस सबको सिर्फ वही देख सकते हैं, और कोई नहीं देख सकता। ओके, इसको बोलते हैं सिक्योरिटी। ये सारे के सारे फैसिलिटी देता है। आखिरी में देखते हैं डेटा इंडिपेंडेंस। DBMS और डेटा, DBMS कमांड डेटा एंड इट्स एसोसिएटेड एप्लीकेशन आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। इंडिपेंडेंट मतलब क्या, अगर आप सोच रहे होगे कि DBMS हम यूज कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, डेटाबेस हम यूज कर रहे हैं, ओके, इसके लिए तो एक एप्लीकेशन होगा, एप्लीकेशन भी यूज करें, और उसके लिए कंप्यूटर चाहिए, कंप्यूटर भी हम यूज करें, मोबाइल कुछ भी यूज करें। आप सोच रहे अगर कंप्यूटर टूट गया, खराब हो गया, तो डेटा क्या उड़ जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर कुछ भी हो जाए, एप्लीकेशन भी क्रैश हो गया, मान लो डिलीट हो गया, फिर भी डेटा नहीं जाएगा, क्योंकि सर्वर में ही मतलब सेव होकर रहता है। ओके, इसको बोलते हैं डेटा इंडिपेंडेंस। डेटा बेस ये तीनों अपने आप से इंडिपेंडेंट है। इसको अगर अलग अलग भी कर दो तो भी एग्जिस्ट करेंगे। अगर कंप्यूटर भी खराब हो जाए, फिर भी आप दूसरे कंप्यूटर लगा के उसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके फिर भी और डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हो। इसका मतलब यही है। ओके, अगर एक भी कुछ भी इफेक्ट पड़ेगा ऐप एक पे, दूसरे का कुछ नहीं जाएगा। ओके, इसीलिए डेटा बेस पूरे के पूरे सिक्योर होता है सभी के लिए, सभी कामों के लिए। ओके, ये जो हम देख लिए सारे के सारे पॉइंट डेटाबेस के एडवांटेजेस के बारे में देख लिए। ओके, और आपको अगर एग्जाम में लिखना हो तो अच्छे से लिख लेना। अगर आपको नोट चाहिए तो अच्छी बात है, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट करना, मैं आपको नोट प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, अगर आपको सिर्फ अगर आप ये भी वीडियो भी देख सकते हो और पॉज कर सकते हो, आप खुद भी लिख सकते हो। डायरेक्ट नहीं बोला जा सकता कि आप ऐसे ही पूरे पूरे लिख लो, आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे लिखो। सिर्फ ये वाले जो टर्मिनोलॉजी है परसिस्टेंस, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। ओके, ये सारे के सारे जो टर्मिनोलॉजी है, परसिस्टेंस, शेयरिंग, एक्यूरेसी, नॉन रिडंडेंसी, और हो गया इंटीग्रिटी, दूसरा हो गया कंसिस्टेंसी, फास्ट एक्सेस और रिट्राइवल, सिक्योरिटी, डेटा इंडिपेंडेंस, ये सारे सारे जो टर्मिनोलॉजी है, हेडिंग पार्ट है, आपको ये सारे के सारे याद रखना ही रखना है। तो आपको अगर अच्छे से, मान लो आपको कोडिंग आ गया अच्छे से, जावा आप अच्छे से कर सकते हो, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से कर सकते हो, कुछ तो थ्योरेटिकल होना चाहिए ना। मगर आप लिखोगे कैसे, आप तो एग्जाम पेपर में ही लिखोगे ना, तो कुछ तो थ्योरेटिकल आपको आना चाहिए, अच्छे से लिखना चाहिए तो अच्छा मार्क लाना चाहिए, इसीलिए ये वाला नोट में हमने बना है। ओके, जैसे मैं पढ़ते वक्त जैसे मेरे को प्रॉब्लम हो रहा था कि कहीं पे नोट नहीं मिल रहा था, मैं तो ऑटोनोमस में पढ़ रहा था, थोड़ा आपको बता देता हूँ, मैं तो ऑटोनोमस में पढ़ रहा था तो मेरे को ठीक से नोट नहीं मिल रहा था, तो मैं कैसे पढ़ूँ, तो मैंने काफ़ी ढूंढ के बहुत मतलब जुगाड़ लगा के सारे पूरे के पढ़ने के लिए पूरे बहुत मेहनत करना पड़ा। आपको ऐसा प्रॉब्लम ना हो, आपको अच्छे से सही से, अगर आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, किसी भी यूट्यूब से, किसी भी चैनल से ही पढ़ सकते हो, मगर आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, इसीलिए मैंने ये वाला नोट आपको लिए बनाया है। ओके, मतलब आप जो भी ढूंढ रहे हो आपको मिल जाए सही से, इसीलिए ये वाले नोट हमने बनाए हैं। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आगे और भी डेटाबेस के वीडियो आते रहेंगे। ओके, पिछले बार डेटाबेस में वीडियो आने में थोड़ा गैप हो गया था, अभी गैप नहीं होगा, पूरे के पूरे रेगुलरली वीडियो आते जाएंगे। आप अच्छे से पढ़ना और एग्जाम में अच्छे से लिखना। ओके, थैंक यू।